इजराइल के सबसे दक्षिणी और सबसे सुरक्षित शहरों में से एक एलात में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और एलात के जिस स्कूल पर हमला हुआ था सीरिया की तरफ से, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो प्लास्टर का इलाका है वहाँ ड्रोन से अटैक हुआ था, करीब 10 दिन पहले ये अटैक हुआ था, और प्लास्टर वाले इलाके में ऊपर से ड्रोन आया था और इस स्कूल की इमारत पे अटैक हुआ था। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी आईडीएफ की तरफ से की गई थी। इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार स्कूल के अंदर मरम्मत का काम जारी है, और जब ये हमला हुआ था तब स्कूल में 40 बच्चे भी मौजूद थे, हालांकि दूसरे हिस्से में मौजूद थे और वो शेल्टर के अंदर थे, लेकिन हमले के बाद 5 लोगों को एक्यूट एंग्जाइटी की वजह से ट्रीटमेंट जरूर दिया गया। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, एलात जिसके बारे में कहा जाता है कि सुरक्षित तो है लेकिन तीसरा फ्रंट हो सकता है। हालांकि यमन यहां से दूर है, हुती विद्रोही यहां से 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन सीरिया का ड्रोन यहां आया, 500 से ज़्यादा किलोमीटर की सीमा तय करके आसमान में वो यहाँ आया और अटैक कर गया। जॉर्डन के आसमान से होते हुए आया, क्योंकि एलात की सीमा इजिप्ट और जॉर्डन से लगती है, सीरिया से नहीं लगती, लेकिन सीरिया के दूसरे कोने से जॉर्डन होते हुए आकर ड्रोन ने यहाँ अटैक किया। जो हालत है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।